तकरीबन कंप्लीट है बाकी सारा, यही थोड़ा सा पीस रह गया, मेरे ख्याल से आज ये भी कंप्लीट कर देंगे और यहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो इस वक्त जी मौजूद हूँ जी तकरीबन बैंक चौक में, और जैसे पिछली वीडियो मैंने बोला था जी कि जो बैंक चौक में नालियाँ बन रही हैं तकरीबन कम्प्लीट होने वाली हैं, तो ये वीडियो दो दिन के बाद बना रहा हूँ। तो नालियाँ ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं जी कि कैसी बनी है। तो इस वक्त जी मैं पैदल इसलिए आया हूँ कि मैंने कहा जी एक तो कंप्लीट नाली आप लोगों को दिखा सकूँ, और एक तो पूरे बैंक चौक का जी आप टूर दे दूँ, बैंक चौक दिखा दूँ। यहाँ से नाली शुरू हो रही है जी, और यहाँ से कुछ हिस्सा जो है ये ओपन ही है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता वगैरह तो कोई नहीं है, ना कोई दुकान है, तो इसलिए नाली कवर नहीं की गई। और आगे यहाँ पर जी घर हैं, कोई दुकान है, तो इसलिए गुजरने का रास्ता बनाया गया, नाली कवर की गई है। नाली कवर ये आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरफ घर हैं कुछ और गुजरने का रास्ता है, इसलिए यहाँ पे नाली कवर की गई है ये जी। और बाकी ये सेंटर मट्टी नज़र आ रही होगी, यहाँ से पाइप गुजार रहे हैं जी, नाली का लिंक करेंगे सामने वाली साइड से भी नाली। और बाकी ये कुछ दुकानों के सामने कवर की गई है और कुछ के सामने से नहीं, मोस्टली जो है दुकानों के सामने से कवर कर दी गई है जी, और वो आगे हल्का सा काम हो रहा है फिल वक्त, वो करीब जाके आपको दिखाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अभी दोस्त के बाइक पे बैठ गया हूँ, तो मैंने कहा जी डिटेल वीडियो बना लूँ। ये देखिए कुछ दुकानों के सामने से कवर किया गया है, कुछ के सामने से नहीं, लेकिन कदर हाल बेहतर हो गया जी, ज़्यादातर के सामने से रास्ता बना दिया गया। और ये एक दो जो रास्ते हैं ये आज बनाए गए जी, मैं करीब से भी आप लोगों को दिखाऊँगा दोबारा। तो आज फिर वक्त तो मशीन काम नहीं करी, कोई नहीं बन रहा। और ये देखें इस तरफ भी अभी सरिये डाल दिए गए हैं, लेकिन अभी कंक्रीट करने वाली है। और ये कुछ हिस्सा नाली का आगे फिर ओपन है, लेकिन यहाँ पे सरिया बरा पड़ा हुआ है, यानी ये भी कवर करेंगे। और ये नाली यहाँ से जी इन्होंने आगे इस तरफ लिंक कर दी गई, सबसे पहले नाली का ये वाला हिस्सा बना था जी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा नाली का बना था। और आगे आगे ये कुछ दुकानें थी जी, ये बीच में आ रही थी, ये कुछ दुकानें जी बीच में आ रही थी, तो इन्होंने दुकानें गिराई हैं, फिर नाली का रास्ता बना है। दुकानें वैसे भी पुरानी थी, तो इसलिए गिराना भी लाजमी था। और इस तरफ भी एक दो दुकानें जो है ये गिराई गई हैं। तो नाली जी अभी एंड तक आप लोगों को लेके चलता हूँ, और थोड़ा सा हिस्सा रह गया जी, यानी कह लें नाली का नाले में कनेक्शन देने वाला रह गया, बाकी जो आबादी के आगे से गुजारने वाली नाली है वो कम्प्लीट है जी। ये देख रहे हैं नाली के साथ साथ ही हम लोग चल रहे हैं, और कुछ मार्केट नई भी बन रही हैं। और ये देखें मोस्टली कोई एक दुकान जो है वो रह गई हो, जो इसके सामने से रास्ता ना बनाओ, जो घर हैं उनके सामने भी रास्ता बना हुआ है। और ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया जी, यहाँ से लेकर वो आगे नाले तक आप लोगों को हल्का नज़र आ रहा होगा। ये देखें अभी भी मजदूर वगैरह लगे हुए, एक साइड पे दीवार बना रहे नाली की, दूसरी साइड पे बनाएंगे, सेंटर से पानी गुजरेगा जी। तो फिर वक्त तो यहाँ तक अभी बनी है, आज बन रही है, और आगे जी ये खुदाई हो चुकी है जी, बस ये लास्ट वाला पीस है जी। आगे ये आप लोगों को घर नज़र आ रहा होगा, इसके आगे जी नाला ही है, वहाँ तक कनेक्शन करना है जी इन्होंने, जहाँ से मैंने शुरू किया वीडियो उस वहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखें इस तरफ खुदाई कल की गई है, और वो आगे घर के पास चलता हूँ, वहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ जी। फिर वक्त तो यहाँ तक काम हुआ है जी, ये वाला जी, ये जी आगे इस घर के साथ ही आगे नाला है, इस घर के साथ नाली बनेगी तो नाली कंप्लीट हो जाएगी जी। घर जब भी जाते हुए कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ वापसी पे। तो ये जी वापसी भी आप लोगों को ज़्यादा दिखाता हूँ, क्योंकि एक तो एंगल चेंज हो जाएगा, दूसरा आप लोगों को बैंक चौक बाजार पूरा दिखा दूंगा। ये यहाँ से जी बैंक चौक ख़त्म तो हो गया पीछे, लेकिन ये आबादी है यहाँ से आगे पीछे लेके जा रहे हैं नाले तक नाली को। और ये थोड़ा सा पीस रह गया, ये खुदाई कर दी गई है और बीच में बनना भी शुरू हो गया जी, कंक्रीट वगैरह डाल रही, शीटिंग वगैरह लगा दी गई है, और क्रश के ढेर जी इस तरफ लगे हुए हैं। बाकी ये बिल्कुल बैंक चौक के आखिर में पीस रह गया, और ये इस तरफ जी सुबह काम करते रहे, अभी फिल वक्त भी काम कर रहे हैं ये जी, बस तकरीबन कंप्लीट है जी। और मेरे ख्याल से एक से दो दिन लगेंगे, शायद दो दिन मैक्सिमम मुझे लग रहा है, नाली कंप्लीट हो जाएगी, नाले में इसका कनेक्शन कर देंगे जी। बाकी इस तरफ सबसे पहले बनी गई थी जी, और अभी गुजरने के रास्ते भी तैयार हैं जी, और बाकी अभी दूसरी साइड बनेगी शायद नहीं बनेगी। इस तरफ आप लोगों को गैस के पाइप पड़े नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी ज़रा स्टॉक पड़ा हुआ है। और ये जी यहाँ पर कुछ पुरानी मार्केटें थी, और ये बीच में भी आ रही थी रोड के, तो ये गिराई गई हैं, वैसे भी पुरानी थी तो भी शायद नहीं बनाई यहाँ पर। तो ये देखें आजकल धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है जी, यहाँ से हल्की सी नज़र आ रही होगी आपको,
ये वाली दुकान है जी, बोल रहा हूँ मैं, नहीं बनाएंगे अभी शायद, लेकिन तकरीबन हर दुकान के आगे से जी गुजरने का रास्ता बना दिया गया, और ये कल जी यहाँ से कनेक्शन किया गया है। ये जी ये मशीन आगे भी खड़ी है, और ये कुछ जगहों पर जी रास्ते बनने वाले रह गए, तो फिलहाल जी ये वाली शटरिंग लगा दी गई है, सरिया भी कुछ जगह बांध दिया गया, ये वाले रास्ते रह गए बनने वाले, ये देख सकते हैं कल इन्होंने बोला था बनाने को, लेकिन आज बनाना शुरू कर रहे हैं। ये देखें कोई हर दुकान के तकरीबन आगे जी सरिया वगैरह डाल के ये एक गुजरने का रास्ता बना देंगे इस तरह से जी, जैसे आगे बने हुए ये आज बने गए हैं जी, और ये भी यहाँ पर सरिया बांध दिया गया, ये आज शाम तक शायद बना दे। फिलहाल तो मेरे ख्याल से खाने की ब्रेक वगैरह, और इस तरह मशीन खड़ी है जी। फिर वो आगे जी ये जो चार नज़र आ रहे हैं ना आपको, एक दो तीन और चार, ये आज बने गए जी, बनाए गए, और ये तकरीबन एक दो और तीन चार, चार जो हैं ये अभी बनने वाले रह गए। आगे मैंने आप लोगों को नाली दिखाई, वो आगे जी यहाँ तक इस तरफ तक नाली बन रही है जी। ये जी अभी ये वाले बोल रहा था मैं जी, चार रस्ते जो हैं अभी बने, वो आगे जो है ना ये वाले बनने वाले हैं, अभी शाम तक शायद बना दें। तो अभी जी दुकानदारों का कुछ सुकून हुआ होगा, कुछ इनको जो है राहत आई होगी कि ये काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि दुकानदारों का बड़ा मसला था, ज़ाहरी बात है जी सबकी रोज़ी रोटी यही दुकान होती है, तो गुजरने का रास्ता नहीं होगा तो जो है कस्टमर नहीं आएगा। तो अभी कुछ बेहतर हो गया जी निज़ाम, अगले चंद दिन तक जी बड़ा इंशाल्लाह जो है बड़ा बेहतरीन निज़ाम हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी जी फिलहाल मैं कुछ देर इधर बेंच चौक में ही रुका हूँ, तो अभी जो बाकी रह गए थे जो रास्ते गुजरने के, तो फिलहाल वो बना रहे जी इस तरफ करके, ये जी इस तरफ बना रहे, और अभी मशीन काम कर रही है, बीच में एक दो घंटे इन्होंने ब्रेक लिया है नमाज वगैरह के लिए, खाने वगैरह के लिए, तो अभी दोबारा काम शुरू कर रहे हैं। सिर्फ यही वाला रह गया जी बैंक चौक में, जैसे पहले मैं दिखा चुका हूँ तकरीबन कंप्लीट है बाकी सारा, यही थोड़ा सा पीस रह गया, मेरे ख्याल से आज ये भी कंप्लीट कर देंगे और यहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा जी। फिर आगे कहाँ पर काम करते हैं, कहाँ पर नालियाँ बनाते हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है, और मालूमात लेने की कोशिश करूँगा मैं, पता करूँगा कि कहाँ बनाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उस तरफ से आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो फिलहाल जी तकरीबन दो जी बना चुके हैं रास्ते, और तीसरे पे लगे हुए, और एक रह गए जी आगे, दो रह गए बड़े जो हैं, मैं करीब नहीं जा रहा, वैसे इनके काम को डिस्टर्ब करूँगा, मैंने कहा जी यहाँ से जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये जी टाइम अभी तकरीबन जी तीन बज रहे हैं, ढाई तीन हो रहे होंगे, तो अभी दोबारा काम कंटिन्यू है, बड़ा तेज़ काम करते हैं जी, जिस टाइम शुरू हो जाते हैं तो फिर अच्छा खासा स्पीड से काम करते हैं, कोई गर्मी भी इतनी नहीं है असल में, मौसम भी कुछ बेहतर हो गया, तो जो है और बाकी ये मज़दूर वगैरह बड़े पठान लोग जो बड़े मेहनती लोग होते हैं जी, और ये देखें और ये वाला जी ये सुबह बन चुका है, ये चेक करें, बाकी इस तरफ जी एक दो रह गए हैं, वो जंगला पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, सरिया बांध दिया गया तो वो भी डालने वाला रह गया जी, ये वाला थोड़ा सा पीस था यहाँ पर। और ये चेक करें जी मशीन में अभी रेत बेजरी वगैरह डाल रहे हैं, सीमेंट डाल के, और इस तरफ कंक्रीट कर रहे हैं जी साथ साथ, ये जी आप देख सकते हैं यहाँ पर। मशीन से जी बड़ा जल्दी काम होता है, यही काम अगर हाथों से करना शुरू कर दें जी तो घंटों लग जाते हैं, तो ये जो काम कर रहे हैं, ये जो नालियाँ वगैरह बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, इनके पास जी अच्छी खासी मशीनें, यानी फिर इस वक्त भी जी चार पांच जगहों पे इनकी मशीनें खड़ी हैं,
तो मशीन से ये बड़ा जल्दी काम करते हैं। अभी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया जी, तकरीबन आज इंशाल्लाह जी कंप्लीट हो जाएगा उम्मीद है। तो खैर जी अभी टाइम काफ़ी हो गया, तकरीबन असर का हो गया टाइम, 4:30-5 बज रहे हैं, तो अभी इनका काम थोड़ा सा रहता है, मेरे ख्याल से आज ही कंप्लीट करके जाएंगी। तो खैर वीडियो करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।